Okay. जैसे हमारे पास अभी ये कुछ आ रहे हैं, ये कुछ केव्स है उस काल की, ठीक है। ये उदयगिरी, कंधारी, कंधागिरी, उदयगिरी की केव्स है ये। ये जो है बुद्ध गया का सीन है कुछ, लेकिन हमें देखना है जरा इसका, ये कोई राइटर है, उन्होंने जो है मगध आर्किटेक्चर पर कुछ लिखा है। अभी बुक तो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, बट मगध आर्किटेक्चर कल्चर पर ही कुछ लिखा हुआ बुक है, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल भी आ रही है, ठीक है। उसको अभी पूरा पढ़ भी नहीं सकते हम, ठीक है, काफी टाइम लगेगा। आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये आप देख लेना, ठीक है। इस तरह के कुछ बुक से आपको यहाँ मिल जाएगा, राजग्रह के बारे में बताया गया है, ठीक। राजग्रह में आपको सभी तरह का आर्किटेक्चर मिलेगा, ठीक। बुद्धिस्ट जैन तो सबसे ज्यादा भरा पड़ा है वहां पर, और बुद्धिस्ट और जैन के बाद हिंदू फॉर्म भी मिलता है, और फिर गुरु नानक देव जी का भी वहां जाना हुआ था, तो गुरु नानक देव जी के से जुड़ा हुआ भी वहां पर कुछ बना हुआ आपको राजग्रह में मिल जाएगा। पिछले साल जाना हुआ तो वहां पर हमने इंडिया के सभी तरह के डाइवर्सिटी एज ए वास्तुकला में आर्किटेक्चर के रूप में राजगृह में देखी। तो राजगृह इंडिया के ऐसा जगह है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब ये आर्किटेक्चर्स है, और अलग अलग समय काल पर जिस भी तरह के शासक थे उसने कुछ ना कुछ वहां जरूर बनवाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि वहां पर बुद्धा और महावीर ने बहुत टाइम वहां पर गुजारा है। बुद्धा ने सबसे ज्यादा वहां पर जो है समय पास टाइम वहां पर दिया था, एक तो वो बात है, फिर महावीर का भी वहां जाना हुआ, गुरु नानक देव जी का महाना वहां जाना हुआ। इस तरह से वहां पर कई तरह की कल्चर समय पर देखने को मिलती है। तो इस बुक में कुछ चीजें दी हुई हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इस आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ फोटोग्राफ से उस वक्त के आर्किटेक्चर को देख लें। आर्किटेक्चर कुछ ज्यादा खास अलग नहीं होंगे। वो क्यों अलग नहीं होंगे? क्योंकि जैसे ये एक महामाया का दृश्य है, ये लिटिल सिद्धार्थ है, इनके जन्म का ये फोटोग्राफ है, ठीक है ना। तो ही टुक बर्थ इन लुम्बिनी, तो ये लुम्बिनी का कोई गार्डन है, ठीक है, वहां पर इनका। तो ये उसी वक्त के पीरियड की बात है, यानी कि 600 BC, 563 ईसा पूर्व जो है सिद्धार्थ का जन्म काल बताया जाता है, ठीक। तो इससे हमें कुछ मगध का पता चलेगा, पहले का, बुद्ध से पहले का भी मगध का इतिहास है, ठीक है। बुद्ध से पहले का भी मगध का इतिहास है, और बुद्ध के बाद का भी मगध का इतिहास है, बुद्ध एंड महावीर बोध। तो इस बुक से आप कुछ देख सकते हैं, और अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर्स को देखते हैं। ये भी कोई बुक आया है, मगध आर्किटेक्चर एंड कल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। शायद मुझे लग रहा है यही बुक है जो अभी हमने खोली थी, वो वहाँ PDF में थी, यहाँ पर इसकी ये भी PDF के रूप में, लेकिन इसकी पूरी कॉपी है। लॉगिन के लिए मांग रहे हैं, कह रहे हैं फ्री नहीं है ये। अच्छा, फ्री देखने के लिए, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं हमारे पास इसको हम देखें। तो ये बुक यही बुक है वो, कुछ और देखते हैं। मैं कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा देखना चाह रहा था मगध से रिलेटेड, कोई बात नहीं। क्योंकि आर्किटेक्चर के तौर पर अभी मैं कुछ डिस्कस कर दूं, बता दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें यहां से, और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ देखें। मगध पाथन आर्किटेक्चर टूर, मगध पाथन का ये आर्किटेक्चर, मगध एंड पठान, पठान बोला गया है, पठान क्या है, इसमें कवर कर रहे हैं पटना, बाराबर केव,
एंड कवल दौल बोध गया औरंगाबाद सासाराम रोहतासगढ़ वाराणसी पटना। इस पूरे आइटनरी में ये सारे डेस्टिनेशन कवर किए जा रहे हैं। तो इसमें मेन अट्रैक्शन क्या क्या है जरा देखें। ये देखिए पटना में, यहाँ हाइलाइट्स इसकी ये कि पटना म्यूजियम में मगध के समय का इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है पटना म्यूजियम इंडिया का। और इस म्यूजियम में मगध काल का सबसे ज्यादा खजाना भरा पड़ा है। कभी भी आप पटना जाओ तो पटना म्यूजियम जरूर देख के आओ। अगर आप टूरिज्म में हैं, आर्कियोलॉजी में है, टूरिज्म में है, तो पटना मस्ट विजिट प्लेस है। इससे आपको उस वक्त के काल का इतिहास पूरा आपके सामने आ जाएगा खुल के कि किस तरह से उस वक्त रहता होगा, ठीक है समय। तो पटना म्यूजियम कुम्हरार इन पटना एक जगह, सेवन रॉक कट केव्स इन मौर्यन एरा, ये सेवन रॉक कट केव्स है मौर्य काल का, सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल है वहां पर, एंड म्यूजियम इन बारबरा हिल्स, एक बारबरा हिल्स पर म्यूजियम भी है, रॉक कार्व्ड इमेज एंड लॉर्ड बुद्धा स्टेचू इन कोवाडोल, कोई जगह कोवाडोल है, यहाँ पर रॉक कार्व्ड इमेज है, यानी कि पहाड़ पर रॉक पर कुछ कार्व्ड करके इमेज बनाई हुई स्टेचू है, और विष्णुपद टेम्पल है, गया म्यूजियम है इन गया, महाबोधि टेम्पल ये गया का, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम इन बोध गया। तो ये सारी चीजें गया की है, तो ये सब देखा भी हमने, एक बार जाना हुआ था। और डियो सन टेम्पल, ठीक है, देव सम टेम्पल, दाऊद खान फोर्ट एट औरंगाबाद, औरंगाबाद में दाऊद खान एयरफोर्ट, शेरशाह सूरी मुस्लिम, शेरशाह सूरी ने वहां पर थोड़ा सा अपना शासनकाल चला था ना इसका बिहार की तरफ, ठीक है। और ये आप देखते हैं आगरा में जीटी रोड जो जा रहा है, पता है कौन सा जीटी रोड? जीटी रोड जानते हैं कोई? हेलो, जीटी रोड? नो सर। क्या आपका जो ये रास्ता जा रहा है भगवान टाकी से सीधा दिल्ली? ये रोड जो सारा है ये एक्चुअली में जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके सर। कहाँ से शुरू होता है ये? शुरू होता है कलकत्ता से, और कहाँ तक जाता है ये? कहाँ तक जाता है? जम्मू, पेशावर, पाकिस्तान। पाकिस्तान जब, हाँ, पहले जब पाकिस्तान भारत ही था तो ये एक पूरा रास्ता था, कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक का भारत का सबसे लंबा रास्ता था, ठीक है। और बिल्कुल एक रास्ता, कोई बीच में कोई ऐसा नहीं कि कोई टुकड़ों में हो, पूरा एक रास्ता बनाया था। ये रास्ता बनाया था, ये सड़क बनाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी। आगरा ने भी इसने कुछ टाइम, इसने इसको किसको हराया था? बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं को इसने हराया था आगरा में। हुमायूं को इसने हराया शेरशाह सूरी ने, हुमायूं वापस चला गया, कुछ समय इसने आगरा में राज किया, लेकिन फिर दोबारा जब हुमायूं आया तो हुमायूं ने इसको यहाँ से खदेड़ दिया। फिर इसने थोड़ा सा शासन वहां चलाया, कहाँ पर? बिहार में। तो जब ये बिहार में शासन चला रहा था पटना की तरफ, तब इसने ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, ठीक है ना। तो ये उस वक्त है, तो उसका मॉसोलियम वहां पर है शेरशाह सूरी का, ठीक। हसन खान सूरी टॉम्ब, एक टॉम्ब है हसन खान सूरी करके, और टॉम्ब ऑफ सलीम साद एंड अलवल खान टॉम्ब एट सासाराम में, हथिया पोल, ये हाथी का कुछ पोल है, ये शायद वही जो एक सिंगल जो पिलर होता था उसकी बात हो रही है, पोल हाथी का। और ये बहारा दौरी, आईना महल, जामी मस्जिद, टॉम्ब ऑफ सूफी सुल्तान, ठीक, और गणेश टेम्पल एंड हैंगिंग हाउस एट रोहतासगढ़, ये सारी जगह है वहां पर देखने लायक है। ये कुछ मगध एंड पठान, इसीलिए पठान जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मिक्स कुछ टूर है वहां का, हमें कुछ और चीजें वहां की पता चली, तो मगध के समय का, उसके बाद का कुछ है। सॉरी, लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं वो अभी नहीं मिला।
अभी फोटोग्राफ्स देखेंगे तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे कुछ देखना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन के तौर पर मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम वैसे देखेंगे। अब इमेजेस देखें जरा मगध काल की। चंद्रगुप्त मौर्य आर्किटेक्चर, गुप्त आर्किटेक्चर, कुषाण एम्पायर, राष्ट्रकूट आर्किटेक्चर, सातवाहन, मगध, इमेजेस पाए। नाउ सी सम इमेज। मगध बोला, ताजमहल कैसे आ गया? ओके लेट्स सी। सर मुगल का ही आ रहा है। वो ये अलग से निकाल के देने पड़ेंगे। सब मुगल का ही दे दिया इन्होंने। सर सर्च में M A G A D H लिखिए आ जाएगा। M A G A D H मगध की स्पेलिंग। M A G A D H A। देखो एक ही आर्किटेक्चर मिला है, ये इंडस वैली कुछ लिखा हुआ है, इंडस वैली का। घुरिड आर्किटेक्चर इन द इंडस वैली, द टॉम्ब ऑफ सैयद साहिद। सैयद साहिद का टॉम्ब। तो मेरी सर्च में तो आ गए मगध आर्किटेक्चर। एम ए क्या बोला है, बताया स्पेलिंग? एम ए जी ए डी एच ए। हाँ ये जरूर है, आर्किटेक्चर मगध एम्पायर। हाँ यहाँ कुछ आया। तो अभी अगर इसमें ढूंढते हैं हम, तो ये अशोक कालीन ही ज्यादा दिखा देता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले का जो देखना चाह रहे थे हम, वो मौर्य एम्पायर का ही ज्यादा आ रहा है। लेकिन चलो, लेकिन खास बात यह है कि जो उस आर्किटेक्चर में जो था मगध आर्किटेक्चर में, वो आर्किटेक्चर ही आगे कंटिन्यू हुआ, मौर्यों में भी वही चला, ठीक है। मौर्य आर्किटेक्चर में भी वही चला। तो कुछ आर्किटेक्चर की, सॉरी, जब हम ये मॉडर्न आर्किटेक्चर देखते हैं तो हमें मगध आर्किटेक्चर की कुछ झलक वैसे ही मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये सांची का स्तूप, ये उस दिन देखा हमने, मौर्य एम्पायर आर्किटेक्चर, ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनके आर्किटेक्चर में कुछ खास चीजें देखें। पहले तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो तोरण द्वार, इस तरह का जो दरवाजा है, ये दरवाजा मौर्य आर्किटेक्चर में, जितने भी आर्किटेक्चर में इस तरह का गेट होता ही होता था, या तो तीन इसके ये लेटे हुए स्तंभ के ऊपर ये होते थे, ठीक है, या फिर दो भी होते थे, या एक भी होता था, ऐसा भी होता था एक है अकेला, ठीक है ना, या दो है या तीन है। ये तो था किसका, सांची का, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, देखा था। अभी इसके अलावा कुछ चौथ चीजें और देखते हैं। मगध के बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर ही आ जाता था। तो इसमें अगर देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक यहाँ पर एक पिलर है, पिलर के ऊपर एक चक्र है, चक्र दिखाई दे रहा है, चक्र दिखाई दे रहा है ना ये। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में कुछ सिंबल्स का और पिलर्स का, इसका रोल सबसे ज्यादा है,
पिलर्स एंड सिंबल्स। अशोक ने पिलर्स के ऊपर कई एनिमल्स को बिठाया, ठीक है, और एनिमल्स के अलावा उसने चक्र भी दिखाया, चक्र भी उसके पिलर्स के ऊपर दिखाई देता है, और कमल का फूल भी दिखाई देता है, चक्र भी दिखाई देता है, कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं उसके आर्किटेक्चर में, ये सब दिखाई देते हैं चीजें। और खास बात क्या था कि ये सब दिखाई देने के पीछे के कारण कि ये जो सारी चीजें थी, वस्तुएं थी, ये सारी किसी न किसी तरह से बुद्धा से रिलेटेड थी, बुद्धा से जुड़ी हुई थी। तो अशोक के इन सबको अपने आर्किटेक्चर में दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बुद्धा एक्चुअली सॉरी अशोका वॉज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा का फॉलोअर होने की वजह से उसने उस वक्त की उनसे जुड़ी हुई चीजों को उस पर दिखाने का प्रयास किया, किस पर, अपने सारे आर्किटेक्चर पर, कि जिससे से आने वाले जनरेशन इस बात को देखे कि यहाँ पर जैसे हमारे सामने आ रहे हैं पिलर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, एक ये पिलर है, इसके ऊपर आप देखो कि शेर बैठा है, एक लोटस है, उल्टा लोटस है, उल्टे लोटस के ऊपर एक कमल बैठा हुआ है, और अंदर ये पूरा एक पिलर है। ये पिलर आज भी अवशेष के रूप में मिल जाते हैं। ये वैशाली का चित्र है, कहाँ का, ये वैशाली। और यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे और कुछ चीजें और बनी हुई है, छोटे छोटे गोल गोल बने हुए हैं। तो ये छोटे छोटे गोल गोल बने हुए हैं, ये चैत्य कहलाए जाते हैं। जो छोटे होते हैं वो चैत्य, और जो बड़े होते हैं वो स्तूपा, ठीक, स्तूपा, चैत्य, पिलर। पिलर जो है मौर्य काल के दौरान आते हैं, मौर्य काल से पहले पिलर नहीं थे, मौर्य काल से पहले पिलर नहीं थे, लेकिन सिंधु वैली का जो कुछ आर्किटेक्चर था उसको जरूर उसने आगे बढ़ाया था। यानी कि मगध का, सॉरी मगध काल में भी वो आगे था, सॉरी था, और उसके बाद फिर अशोका ने भी बढ़ाया, लेकिन इसके कुछ आर्किटेक्चर्स में कुछ ऐसे सिंबल्स को उसने जोड़ा अलग से जो बुद्धा से रिलेटेड थे। जैसे कि ये एक हमारे जो ये क्या बोलते हैं इसको, हम इस फिगर को क्या बोलते हैं, हम अशोका क्या, अशोक स्तंभ, स्तंभ कहाँ है, सर अशोक की लाट, लाट बोलते हैं, नहीं लाट भी नहीं है, लाट के ऊपर ही रखा रहता था दरअसल, सर अशोक चिन्ह बोलते हैं इसको, अशोक चिन्ह बोलते हैं, अशोक सिंबल बोलते हैं, अशोक चिन्ह, ठीक। इसके पीछे का क्या कहते हैं, एक एक इंटरेस्टिंग, सॉरी इसके पीछे की जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके संबंध में ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये चार शेर होते हैं, चार है, तीन दिख रहे हैं। कितने ये बताओ तुम दुर्गेश, एक्चुअली दे आर फोर लॉइंस, यहाँ चार लॉइन है, एक पीछे और एक आगे, एक दाएं है, साइड है ना। इसके दो मतलब यहाँ पर निकलते हैं, पहला मतलब बुद्धा से निकलता है और दूसरा मतलब अशोका से निकलता है, अशोका से ही निकलता है दोनों का सेंस, लेकिन सॉरी बुद्धा से, लेकिन अशोका का फिर बाद में जुड़ जाता है। अब आप देखो कि ये फोर लॉइंस के नीचे एक ये इसका बेस है, इस बेस में एक चक्र है, उसके बाद एक बुल है, एक हॉर्स है, और इधर जाएंगे